साथियों नमस्कार। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये माँ और बेटी और दोनों पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचे हैं। ये माँ अपनी नाबालिग लड़की को पुलिस अधीक्षक के पास लेके पहुँचे हैं। इन्होंने एसपी को ज्ञापन देकर इन्होंने पूरा मामला बताया है और आपको मैं पूरा मामला बता देता हूँ। पूरा मामला क्या है, आज से 2 वर्ष पहले इस नाबालिग लड़की के साथ इस एक ही स्कूल में पढ़ने वाला देवाराम पुत्र तगाराम जाति सुथान निवासी केतु जिला जोधपुर वाला पढ़ाई करता था एक साथ। उसके बाद इसको बहला फुसला कर इसको अपहरण कर ले गया, इसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद इसके फोटो खींचे। फोटो खींचने के बाद लगातार इसको आरोपी इसे कहता रहा कि मेरे से मिल, अन्यथा मैं तेरे फोटो वायरल कर दूंगा, तेरे रिश्तेदारों में वायरल कर दूंगा। इस लड़की नाबालिग बच्ची पर दबाव बनाता रहा। उसके बाद आज से 2 माह पूर्व इसके फोटो वायरल कर दिए और इसके साथ गलत काम कर दिया। इन्होंने पुलिस थाना गिड़ा में मामला दर्ज करवाया मगर गिड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण आज परिजन पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि आरोपी ने नाबालिग लड़की के फोटो वायरल कर दिए। आरोपी अब फोटो वायरल करने से पहले आरोपी लगातार इसे कहता रहा मेरे से मिलती रहे, अन्यथा मैं तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। मिलने के बाद अब इस नाबालिग लड़की पर शादी का दबाव दिया कि मेरे से शादी कर, नहीं तो तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। इनके परिजनों को फिर पता लगा, इन्होंने शादी से मना किया तो उस आरोपी ने इनके फोटो वायरल कर दिए और पूरे रिश्तेदारों में चले गए फोटो। उसके बाद इन्होंने मामला दर्ज कराया, इनकी कार्रवाई नहीं हुई और नाबालिग लड़की से बात भी हुई है। पूरी घटना इसने बताई है कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक ये फ़ोटो खींच के और लेके गया और वायरल कब किए है, वो पूरा मामला ये नाबालिग लड़की बताएगी। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत। आज 2 वर्ष पहले देवाराम नौर व्यक्ति में रहते पड़ता 2 महीना पहला उसको जाती तो जबरदस्ती आयो मैंने पकड़ मारा पैंट दिन के सुनसान जगह दे दो उससे मारा तो गलत काम किया और फिर वीडियो बना दिया। बस मन कहो कि अगर आप बात है नहीं कहीं कही तो उतार वीडियो वायरल कर ली। फिर वो मैं डर की मैं कहनी कहीं नहीं कहो। फिर वो डेली जदि भी फ़ोन कर तो कभी भी उसको जाती हाई जगह मैंने पकड़ ले जाता फिर मारा तो गलत काम कर तो और डेली फिर वीडियो फोटो बनाता। एक दिन हुए मैं हैंगो नहीं कहो कि मारे नहीं यहाँ शादी कराओ नहीं तो नो के वीडियो हैंग वायरल कर ले। बस यानी मार घर वालों तक बात होगी। बस यानी हुए हैंगो नहीं धमकी दे दी कि अगर मारी हुआ तो शादी नहीं करे तो हैंगो नहीं मार दो। फिर मोन घर वाला हैंगो नहीं धमका हो मैं केस भी कीनो पर कोई कार्यवाही नहीं करे केस। अच्छा कितना टाइम में मुकदमा दर्ज कराया? 12 तारीख को करायो 12 फरवरी। अच्छा अच्छा देवाराम कद थन हैंगम पहला किडनैप कर कितना पूरा टाइम? 2 महीना। जब बस फोटो भी वायरल करे था नहीं 2 महीना पहला तो फोटो खींचा था 8 तारीख 8 फरवरी 2022 हैंग वायरल किया। कैने भेजा? ओ आप कोई रिश्तेदार है तो तारे घरे कद था अपनी की कि था मोरी गिरी के है रिश्तेदारों ने भेजा सर वो फोन कर वो हमारा दबाव डालियो कि नहीं शादी नहीं की नहीं लेके मतलब हैंगो नहीं वायरल करते हैं वो अच्छी के बोले हम थोड़ा लोगों ने ठा पड़े कि अगर यानी शादी नहीं करी तो है पूरी दुनिया फैला दे। तो ये मुकदमा कैसे थाने कराए गिड़ा पुलिस की कार्रवाई की? अब तक आज क्यों मिलने आए थे? आज कट क्यों मिलने आए एसपी साहब क्यों मिलने आए? आज बाड़मेर क्यों आया? बाड़मेर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो एसपी साहब ने कहना है।